ओ मेरे भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बात है, आज तो सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो? भाई मैंने एक बहुत जबरदस्त वर्ल्ड फेमस पब्लिसिटी एजेंट तलाश कर लिया है, और सिर्फ तलाश ही नहीं किया, उससे इंटरव्यू के लिए बुला भी लिया है आज। देखे ना, हमें जरूरत भी है इस वक्त यार, इंटरव्यू तो बस एक फॉर्मेलिटी है। अच्छा फिर? भाई उस लड़के का काम हमारी रिक्वायरमेंट पर बिल्कुल फिट है, आपको लाजमी पसंद आएगा, मैं सही कह रहा हूँ। कोई 1.5 साल से जॉब छोड़कर फ्रीलांस काम कर रहा है। यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम उसे कन्विंस कर लोगे? हाँ हाँ, कर लेंगे हम उसे कन्विंस, ज्यादा लंबी बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 लाख ठीक रहेंगे, क्या कहते हैं? बोले तो ऑफर कर दो इंटरव्यू में। ठीक है, आना 2 से। सुपर। मेरे पार्टी के सामान में कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। लिखो जो सामान बता रही हूँ। 30 पाउंड टेल्स मैन, 60 पीस घोड़ों की नाल, हाँ और 2 जोकीज भी अरेंज कर देना तुम लोग मुझे, और 220 क्लॉवर के पत्ते भी लेकर आना। जो चीजें बताई हैं वो लिख ली है ना तुम तीनों ने? टूल मैडम, क्या ये आपकी पार्टी के लिए है? नो, तुम्हारी माँ की बर्थडे के लिए। जाहिर सी बात है, पार्टी के लिए है। बहुत से लोग मेरी कामयाबी से जलते हैं, समझ जा गया? इसी वजह से तुम लोगों से ये चीजें मंगवाई हैं, क्योंकि ये चीजें बुरी नजरों से बचाती हैं, और घोड़े की नाल बुरी नजरों से बचाने के लिए सबसे ज्यादा असरदार होती है। और ये क्लॉवर के पत्ते किस काम आएंगे? और क्लॉवर के पत्ते में घोड़े की नाल पे गार्निश करवाऊंगी, ठीक है? मैडम आपका जूकी के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे बाबा, वो लोग मेरी सारी डेकोरेशन देखेंगे, समझ आया तुम्हें? अब जल्दी अपने काम पर लग जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से। Where's my coffee? Hello. क्या हाल है? तुम जरूर मिलने आई हो ना हमसे? नहीं, फिर से कंपनी ज्वाइन कर ली मैंने। मेरे होने वाले ससुर ने रिक्वेस्ट की तो मैं इनकार नहीं कर सकी उन्हें। बहरहाल बड़े हैं वो मेरे। हाँ? बोलो, क्या तुम्हारी इन पुरानी हरकतों को भूल चुके हैं दीदम? यार तुम्हें तो खुद भी एहसास होना चाहिए ना कि तुमने उन लोगों के साथ क्या क्या किया है। तेजी से रिकवर कर लिया है मैंने यार। अच्छा छोड़ो, हाँ कोई नई न्यूज तो दो मुझे। मेरा दिमाग अभी आराम कर रहा है। हाँ, मेरे दिमाग की आराम करने की वजह है मेरी तरफ से फेयरवेल पार्टी। वो हाँ, पार्टी हो रही है, ये मेरा फेवरेट काम है यार। खूब मजा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे ये। लेकिन दीदम, फेयरवेल पार्टी में तुम इनवाइट नहीं हो, समझी? क्योंकि वो जो तुम अपने अंदर रोती हो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है, तुम उछल कूद करो, समझ रही हो ना? हाँ वो तो है, ठीक कह रही हो, मगर अच्छा फील करूंगी पार्टी से। यानी देखो मुझे रोना आ रहा है, मुझे क्यों नहीं बुलाया? यार टूर, ये तो बहुत ज्यादती है ना। इंतजार करना होगा, अगले साल का फिर पार्टी करेंगे मिलकर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।